नमस्कार, आप देख रहे हैं उम्मीद 27। पंकज हत्याकांड में सोनी कुमारी की मां से कुछ जानकारी ले रहे हैं कि वो सिचुएशन पे क्या था, कब आपको पंकज के बारे में पता चला और उसके फादर जो धमकी देने गए थे तो क्या सिचुएशन हुआ था घर में। हमें नहीं रही है दिन, हमारा बेटी के हमारे बेटा आए दिलके रक्षाबंधन ले आ तो यहाँ धर के हमू राखी बांधे चल गेलिए। हमरा गेले हमारे बेटा लक आ हुआ से अल तो दुनू बाप बेटा चल गए उजियारपुर प्रोग्राम में तो नहीं रहती। पंकज की भी दो बहन राखी बांधने के लिए वो अपने ससुराल से वहां आई हुई थी। पंकज का मर्डर हो गया, उसकी बहन का राखी बांधना दुश्वार हो गया और उसके भाई का हाथ खाली का खाली रह गया। जाहिर सी बात है ये बहुत दुखद घटना हुई, काफी वीडियो वायरल हुआ, तो ऐसा अन्याय तो हुआ उसके फैमिली के साथ। पुलिस प्रशासन भी झील कर रही थी, एक सप्ताह तक कोई पुलिस उसके वहां पे नहीं गई। ऐसा मानना है, उनके फैमिली का कहना है कि जो पुलिस आती थी यहाँ पे आती थी और यहाँ पे उनसे FIR लिखाया गया। नहीं सब नहीं, पुलिस उसके घर तो नहीं गई थी, तो हम कंफर्म बोल सकते हैं हमरो यहाँ नहीं कोई एलखिन। पुलिस तो यही आती थी? नहीं नहीं एलखिन है, नहीं आए जना आवे छे ना वही बउवे सब आवे जाय छथिन। ये दोनों का प्रेम प्रसंग आपको कब पता चला था, क्या महीना? हमरा नहीं पता रहे किछो ने, वह दिना पता चल ले। तो उसके फादर को पता था तब तो वो धमकी देने गए थे एक सप्ताह पहले मर्डर से। हाँ एक सप्ताह पहले ना, तो वो हमरा बेटा हाथ में मोबाइल रहे तो ये सब रखे चले धियापुता आ तो तखने हमारे बेटा ना से गर्मी के दिन थे ऊपर छत पर सुतल रहे, मोबाइल ओकरा हाथ में रहे ना तो फोन अल लड़का फोन कल के तो हमारे बेटा किसे जे पूछल के कल के छी रे बोल ल तो नहीं बोलबे नहीं करे नहीं बोले तो कल के किसे जे फिर कह रही बोल ना के छी बार बार करे लगले तो नहीं बोले तब कल के कि जे गुआर के बेटा छीन टाइप के फरिया ले तो हमारे बेटा कल के कि जे अखन रात है ते से हमें अखन ने वो भिनसर है वो भिनसर है कल के नो अखनी आब के फरिया ले। मेरा ऐसा मानना सही टाइम पे अगर निर्णय ले लेते दोनों के फैमिली वाले तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। हाँ तो ये ना से ये तो जेल नहीं तैयार रहे आज बहन दिया कल के गुस्सा अल कल के आब के फरिया लेते यहाँ के लगे जे डांट दबार दिलखिन जे हमरा भैंसा बात उत नहीं करी है एहन काम नहीं करी है तो ये बात ठीक नहीं होत इह सब पर वो सब सब करे छथिन। धमकी देने के बाद ही एक सप्ताह के बाद ये हुआ तो इसके कारण तो आरोप की श्रेणी में तो आएंगे, वो फैसला करना ना करना पुलिस का काम है। ठीक तो अभी के दिन पुलिस पहले लेके गई? वह दिन हाँ। किस किस को लेके गई? हमर बेटा तो पूछताछ के लिए लग गेलखिन ना बोलेलखिन फोन केलखिन तो हमर बेटा कहलखिन जे हमें तो नहीं छे में जे हम नुकेब तो गेलखिन पूछताछ के लिए तो लग गेलखिन तो हमर बेटा चल गेल जेल में गेल छथिन आ हमर आदमी अब जेल में थी कि थाना थी कहाँ थी तो हमरा पता नहीं उस दिन से पता ना चला। मर्द मानस हमारा नहीं कोई के पता लगे थे तो नहीं जान छा बेटा के जान लिए जे फोन केलखिन है ना वह दिन फोन केलखिन तो हमारे बेटा खुद देखल के हम नहीं समय अथी छे तो हम कथी ले नुके वह किया जेब मटुआ गेले पाई मांगे पाई मांग के ले तक से फोन केलखिन तो हमारे बेटा गेले पूछताछ कलखिन जे करबे तो उन्हीं से लगलखिन तो हमारे बेटा जेल में। उसके फैमिली के बीच में ये भी आरोप था कि एक भी मुखिया सरपंच उसके घर पे नहीं आए, एक सप्ताह से पहले हम भी आए थे वीडियो करने के लिए कोई मुखिया सरपंच वहां पे नहीं पहुंचे, तो ऐसा आरोप था कि सोनी के फादर ने उन लोग को रोक के रखा है। ना ये सब बात गलत नहीं। तो मुखिया सरपंच उसके दरवाजे पे क्यों ना गए? ना ये सब बात नहीं रोक लगती ना। ये थी सोनी कुमारी की मम्मी, जुड़े रहिए उम्मीद 27 के साथ। धन्यवाद।